Sachin Tendulkar has said that the two balls used in the ODI is a perfect recipe for disaster. #AakashVani मास्टर पाजी ने अगर बोला है तो सबको खड़े होकर सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, क्योंकि पाजी की बात में ना दम होता है, वजन होता है। तो इसलिए मैंने कहा आईपैड छोड़ो भैया, लैपटॉप लेके आओ, जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो क्या होता है। लेट्स लुक एट सम नंबर्स। अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2012, अबाउट 5 ईयर्स, लंबा स्पैन है। और ओवरऑल रन रेट, रन्स पर ओवर 5.18 थे उन 5 सालों में। उसके बाद से अब तक के 6 साल हो चुके, 2012 अक्टूबर से 2018 जुलाई तक। रन रेट हैज़ रिजन ना, बट ओनली स्लाइटली यार, 5.52 रन्स पर ओवर। ऐसा नहीं है कि अभी पहले 5 था और अब 7.5 हो गया। इट्स नॉट बीन द केस, इट्स 0.34, दैट्स इट, पर ओवर, नॉट टू मच। अब अगर बॉल रिवर्स स्विंग हो रही हो तो फिर क्या होता है कि 2011 में ये रूल चेंज हुआ था, जब एक ही बॉल पहले इस्तेमाल होती थी, फिर 2 बदल दी गई, और वो एक जब इस्तेमाल हो रही थी तब 34वें 35वें ओवर में जाके चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि बॉल का कलर एकदम ख़राब हो जाता था। लेकिन फिर भी भैया रिवर्स स्विंग होती थी, ऐसा माना जा रहा है। तो 41 से 50 में कितने बनते थे लास्ट 10 ओवर्स? 7.01, यानी कि 70 रन। अब कितने बनते हैं पिछले 6 साल में? 7.61, यानी कि 76 रन। सिर्फ 6 रन का डिफरेंस आया आखिरी के 10 ओवर में। सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ लॉट, दैट्स बीन टेलिंग। कोई डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ चेंज हुई है, वो ये हुई है कि बहुत ज़्यादा 300 से ज़्यादा रन बनने लगे। पहले अगर हम देखें, बिफोर अक्टूबर 2011, दैट वॉज वेन द रूल्स वर चेंज्ड, इट टुक 16.1 इनिंग्स, यानी कि 16 इनिंग्स में एक बार 300 बनते थे। बट सिंस देन लास्ट 7 ईयर्स इट्स एक्चुअली गॉन डाउन रेडिकली। 6.2 इनिंग्स, हर 6ठी 7वीं इनिंग्स में 300 रन बन जाते हैं, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो फिर दिस इज समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम एरिया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पाजी इज ऑल्सो हिंटिंग एट। विराट हैज़ ऑल्सो वैलिडेटेड इट। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, परेशानी क्या है? ये जितने 300 से ज़्यादा रन बने हैं ना, या तो ये इंडिया ने बनाए हैं, मोस्टली, सारे नहीं, या तो मोस्टली इंडिया ने बनाए हैं, या फिर बनाया इंग्लैंड ने। ये हैं 2 बड़े कंट्रीब्यूटर्स। और ये रन बने कहाँ पे हैं? या तो ये रन बने इंडिया में, इंडिया ने बनाए या इंडिया के खिलाफ बने, या फिर बने ये इंग्लैंड में, या तो इंग्लैंड ने बनाए या इंग्लैंड के खिलाफ बने, या फिर जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स इन दोनों देशों में होते हैं वहाँ पर रन बने। उसके अलावा अक्रॉस द ग्लोब, इवन दो द ग्राउंड आर स्मॉलर, से न्यूजीलैंड फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे भी 2 नई बॉल्स यूज़ होती हैं, वहाँ पे भी रिवर्स स्विंग नहीं होता उतना ज़्यादा, बट इट्स 270-280 इज स्टिल अ विनिंग स्कोर। ऑस्ट्रेलिया सेम स्टोरी, बिगर ग्राउंड येस, बट देन फ्लैट पिचेस, वहाँ पे भी तो उतने रन नहीं बन पा रहे। अगर फ्लैट हैं तो क्या फ्लैट हैं? आई थिंक दैट्स वेयर द आंसर लाइज। साउथ अफ्रीका, इंडिया वेंट टू साउथ अफ्रीका लिटिल वाइल बैक, वहाँ पे भी कोई 300 से ज़्यादा रन 1-2 बार मुश्किल से बने थे, 350 तो भैया भूल जाओ, बहुत दूर की बात है। तो फिर ये गड़बड़ जो है सारी, ये घोटाला हो रहा है इधर इन इंग्लैंड और इन इंडिया। Pitches have gone really, really, really flat, and that's what curators, you need to do it. You need to do something. Ball change करने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है, क्योंकि runs वैसे भी ball change करने के बाद कुछ ऐसा नहीं कि बड़े हैं। It's just the number of 300s have been scored more when the games have happened in England or in India. अच्छा, अब आप बताओ, आप देख रहे हो ना #AakashVani, you know one of our videos actually had 1.1 million views. That was the yo-yo test, yo-yo Honey Singh. वो मैं बहुत खुश हुआ। So thank you very much for all the love. So please do subscribe, share, comment, और सबको बताओ कि आकाशवाणी देखो, and then maybe you know what, one of your wishes will come true. Promise, पक्का promise.